ओम शांति। 27 जनवरी की मुरली, आज हम एकाग्र के सुनते हैं। आज की मुरली है, बाबा रूहानी सर्जन के रूप में क्या करते हैं वो हमें समझा रहे हैं। साथ ही एक वंडरफुल खुराक हमें खिला रहे हैं, विश्व का राज्य भाग्य लेने की विधि समझा रहे हैं और अपने आने का समय, साथ ही सदा हर्षित रहने का फॉर्मूला, रूहानी सर्विस का महत्व और देही अभिमानी स्थिति के फायदे, और वरदान रूप में बाबा हमें सहज योगी जीवन बनाने की विधि समझा रहे हैं। बाबा के अद्भुत महावाक्य हैं जो रूह को राहत देते, आंतरिक शक्ति प्रदान करते, लेकिन अगर विधि पूर्वक सुना जाए तो सुनने की विधि अपनाते हैं, देह भान को भूल उस एक का स्मरण करना जो हमें सुनाते हैं, तो उतार देते हैं देह भान की चादर, अपने ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हैं। भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ बिंदु, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पूरे ब्रेन को लाइट देते, पूरे देह को प्रकाश दे रही हूँ, मैं अमर ज्योति बिंदु हूँ, मैं परम पिता की संतान हूँ, मेरे परम पिता भी मेरे जैसे ज्योति बिंदु हैं, दूर ब्रह्मलोक के लाल प्रकाश में विराजमान हैं, उनकी दिव्य ज्योति दूर दूर तक शांति शक्ति फैला रही है, वर्तमान समय स्वयं अवतरित हुए हैं इस भूमंडल पर, एक साधारण मानव के तन में प्रजापिता ब्रह्मा, उनके मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। ये ज्ञान और योग भी हमारी रूहानी खुराक है, यही खुराक एक दूसरे को खिलाते, सबकी खातरी करते रहो तो जिससे आत्मा फिर से आनंदित हो जाए, फिर बाबा हमें विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए की जाने वाली एक मेहनत समझा रहे हैं, उसी को आदत बना लेना। तो बाबा कह रहे हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो, जिसको भी देखो मस्तक में चमकता सितारा आत्मा मेरा भाई है, ऐसा देखो भाई भाई समझ, सबको ज्ञान दो, पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, आत्मा रूपी भाइयों को ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा, इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, दूसरों को भी ज्ञान का तीर अच्छा लगेगा। ये हमारी बेसिक प्रैक्टिस है, अपने को तीसरे नेत्र से आत्मा देखना, दूसरे को भी आत्मा देखना, भाई भाई समझ, देह भान निकाल, फिर उनका भी भला करने लिए ज्ञान देना, और इस हद तक अपने को देह से न्यारा कर देना कि माया के तूफान बंद हो जाएं, बुरे संकल्प आए ही नहीं,
दूसरे को भी उससे शक्ति प्राप्त हो जाए। फिर आज प्यारे बाबा अपने आने के समय को स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को बुलाते, अब मैं फिर से तुमको पावन बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मुझको आना होता है, मैं भी बंधायमान हूँ। मैं आकर तुम रूहानी बच्चों को ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, तो अपने को देखना चाहिए कि इस लाइफ में मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। चेक करना है मैं किस पद को पाने लायक हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हूँ ना तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना होता है ना, तो चेक करना है किस पोजीशन को पा सकेंगे। तुम जानते हो अभी संगम युग है कि भैया बाप हमको इस पार से उस पार, कलयुग से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। फिर बाबा आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का कराने के लिए कह रहे हैं, बाप बैठ तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो और ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने आत्मा भाई को देखो। आत्मा भाई से बात करो, मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे, परंतु तुम्हें क्या करना है, आत्मा को देखना है। तो बाबा भी कहते हैं, मैं शरीरों को नहीं देखता हूँ, आत्माओं को देख ज्ञान देता हूँ। तो तुम भी भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर ही आदत पक्की हो जाएगी। इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो संगम पर एक ही रूहानी बाप से तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चों अभी वापस घर चलना, इसलिए ये मेहनत करनी है। अब जब घर जाना तो शरीर तो लेकर जाना नहीं है, आत्मा को जाना। तो जिसे छोड़ना है उसे भूलने का अभ्यास करना है। इसके लिए बाबा एक फ्रेज याद दिला रहे हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हम जितनी हिम्मत करेंगे बाबा की मदद मिलती रहेगी, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी, यानी उनको शक्ति दे सकेंगे। ये नई आदत डालने से शरीर का भान निकल जाएगा, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। देखो वंडरफुल बाबा, कितना वंडरफुल ज्ञान है, कब कोई बता ना सके। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। फिर प्यारे बाबा हमें हर्षित रहने के लिए कुछ स्मृतियां दे रहे हैं कि बेहद का बाप हमको स्वयं पढ़ा रहे हैं। याद रखो कि वाह, ये तो कब ना सुना न पढ़ा, वही हमारा एक बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है। उनके द्वारा ही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। और याद रखना है, मोस्ट बिलवेड बाप हमारे लिए हथेली पर मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आए हैं। सौगात भी
मुक्ति और जीवन मुक्ति की है, लाए भी हथेली पर है। वास्तव में ये चीजें मुट्ठी में पकड़ के देने की नहीं है, पर बहुत इजीली मिल जाती है। तो कहा हथेली पर लाए हैं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। और याद रखना है, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। शरीर तो यहाँ धारण कर 84 जन्म पाठ बजाया है, वापस जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करना है। तो तुम मीठे बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। कितनी बढ़िया बढ़िया खुश रहने की बातें मिल रही हैं। अशरीरी हो तो खुशी है, स्वर्णिम दुनिया याद करो तो खुशी है, हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं तो खुशी है, पढ़ाने वाला भगवान है, वही बाप टीचर सतगुरु है, तो कितना खुश रहेंगे ये सोचते सोचते। तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये खुराक होती है। तो खुशी की खुराक हमें हमेशा खाते रहना है। फिर बाबा हमें देही अभिमानी स्थिति के फायदे बता रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। मुख्य बात है ही याद की, तो ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। कैसे याद करना है बाबा को? बहुत प्यार से स्नेह से। शांति धाम और सुख धाम को भी याद करते रहना है। याद से ही आत्मा में विकारों की खाद पड़ने से जो जंक पड़ी है वह उतरेगी। तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कटेंगे, अंतमति सौगति हो जाएगी। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा हमें रूहानी सर्विस का शौक रखने के लिए कह रहे हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। देखो मैं ब्रह्मा के रथ द्वारा रोज सर्विस करता हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आना कभी मिस नहीं किया। अगर इनका रथ बीमार पड़ जाता तो भी इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, ऐसे फॉलो करो। विश्व का मालिक बनने के लिए तुम्हें एक दूसरे का कल्याण करना है, सबको बताना कि सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, मन एक परम पिता में लगाओ तो सदा खुश रहेंगे। ये ज्ञान की स्क्रीन है, जैसे स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, ऐसे ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने मन को एक परमात्मा में एकाग्र कर दें, ये खुशी की खुराक एक दूसरे को खिलाते रहो। ये सच्ची सच्ची खुश खराफत भी है। किसको बाबा का परिचय देना, ये भी जैसे खुश खराफत पूछना होता है। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी ये वाली करते रहो। इस खुराक का दुनिया में किसको मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊंची खुराक
एक बाप ही तुम बच्चों को देते तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो जिन्होंने इस ज्ञान को समझा और इंद्रियों को वश किया तो सुपर सेंशियस जॉय एक्सपीरियंस किया। गो कहते हैं इंद्रियों को, पी जिन्होंने पी लिया यानी सेंसेस को पी लिया, रूल किया, वही सुपर सेंशियस जॉय एक्सपीरियंस करते हैं। फिर बाबा एक कल्याणकारी शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, बच्चे कोई उल्टी बुल्टी बात बोले तो क्या करना, तुम चुप रहो। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज होती है, यानी एक ने उल्टा बोला फिर दूसरे ने बोला तो झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए एक बोले तो दूसरा चुप कर जाए। अब चलिए बाबा से आज का वरदान लेते हैं। बाबा के सतगुरु स्वरूप का स्मरण करते हुए और खुद को बाबा का योग्य शिष्य मानते हुए, उनके तेजोमय स्वरूप को देखते हुए फील करेंगे, उनकी सब शक्तियां मुझ में समा रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, बाबा से वरदान मिल रहा है, बच्चे दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों को बाप से प्यार है इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है तो मन ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट होते हैं कभी अपसेट होते हैं, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो इसमें चाहिए दृढ़ता की शक्ति, उससे एकाग्रता को बढ़ाते जाएं और मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति के एक रस पर सेट कर दें तो हम सहज योगी रूप में टिकते जाएंगे। स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बाबा ने हमें बहुत शक्तियां दी हैं, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, श्रीमत का पालन करने की, तो उन्हें प्रॉपर यूज करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। बाबा की आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है, मैं आत्मा आत्मा भाई से बात करती हूँ, ऐसी प्रैक्टिस आज हर एक को देखते हुए करते रहेंगे और बाबा के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है। कोई अगर उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुंह से ताली नहीं बजानी है, यानी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करना, सहन कर लेना, और रूहानी सेवा का शौक रखना है, दूसरों को नहीं देखना है, और मन बुद्धि को दृढ़ता की शक्ति से एक रस स्थिति की सीट पर बार बार सेट करने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।